हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स का एक नया टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम लेके आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। आपको सबसे पहले ये याद होगा, डिवीजन में हम कुछ टर्म्स लेते थे जैसे कोएफिशिएंट, डिवाइजर, डिविडेंड और सो ऑन। तो ये उन्हीं को एक साथ करके आता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, 15 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो 6 ये हो जाएगा 2 जा 12 और रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, तो ये है हमारा रिमाइंडर। हाँ, तो फिर ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया डिवाइजर। ठीक है, तो जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम है वो बोलती है डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, बस इसमें यही है। ये अब हम पॉलीनोमियल्स को उसमें करेंगे। तो एग्जांपल 6 से स्टार्ट करता है। एग्जांपल 6, तो एग्जाम्पल सिक्स हम कर रहे थे। तो क्वेश्चन है डिवाइड px बाय gx। ठीक है, तो जिसमें हमारा px है x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन और gx है हमारा 1 प्लस एक्स। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसको पहले हम 3x से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x तो जगह 3x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर साइन चेंज, यहाँ पर साइन चेंज। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब माइनस टू से करते हैं, माइनस टू एक्स माइनस टू, ये प्लस, तो हमारे रिमाइंडर आया 1। अब चेक करते हैं, अब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन को हम एक्स प्लस वन और थ्री एक्स माइनस टू सॉरी प्लस वन लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं एक बार इसको। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। सही है, तो मतलब ये हमारा 2 होता। तो फिर अब आगे चलते हैं, अब एग्जांपल 7 का आता है। तो एग्जांपल 7 है हमारा 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को डिवाइड करना है हमको बाय x माइनस 1। ठीक है, आप तब तक एक बार ट्राई कर लीजिए, मैं तब तक इसको कहता हूँ। ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया होगा, हमने स्टार्ट करता है इसको। तो सबसे पहले हम इसको 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x क्यूब तो आएगा 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब। ठीक है, तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको एक्स स्क्वायर से करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आएगा माइनस एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर होगा तो, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट नहीं है तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब साइन चेंज प्लस माइनस, ये एक्स स्क्वायर को सामने ले आते हैं, माइनस थ्री एक्स माइनस वन। ठीक है, अब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2x माइनस का 2x माइनस 1। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 और सॉरी प्लस 2 नहीं माइनस 2 का माइनस 2x माइनस 2 साइन चेंज प्लस प्लस,
तो ये हो गया वन, तो अरे एक गड़बड़ हो गई, ये माइनस का था ना, तो ये माइनस हो जाएगा और इधर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, एक सेकंड, ये प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस हो जाएगा, तो फिर ये इधर थोड़ा लास्ट स्टेप में चेंज आ जाएगा, हो जाएगा माइनस फोर एक्स माइनस वन, ठीक है। अब इधर भी होगा तो इसको माइनस फोर से करते हैं, माइनस फोर एक्स माइनस फोर टाइम चेंज प्लस, ये भी प्लस, ये थ्री, एक सेकेंड, सॉरी ये प्लस होगा और ये माइनस और ये फिर फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस फाइव होगा, सॉरी आज थोड़ा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे कैसे करना है। तो फिर अब आगे चलते हैं एग्जांपल एट पे। तो हम एग्जांपल एट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, और इसको डिवाइड करना है हमको एक्स प्लस वन से, ठीक है। तो फिर एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर होगा ये, ये एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो इधर ऐसे माइनस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब माइनस एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस यहाँ पे एक्स नहीं है तो इधर आ जाएगा माइनस एक्स, ये प्लस, ये प्लस, तो ये एक्स प्लस वन, और अब हम इसको कर सकते हैं वन प्लस वन, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वन डायरेक्ट आ गया, माइनस माइनस ये कैंसिल ज़ीरो। तो इसमें देखा जैसे आपने रिमाइंडर इसका ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये जो x प्लस वन है वो इसका एक फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये आएगा, तो और बाकी आगे जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें आप फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो अगर आपको ये वाला टर्म वापस कहीं पर दिखता है तो आप इसको इन दोनों के उसमें तोड़ सकते हैं। तो फिर अब आगे चलते हैं, नहीं एक सेकेंड, इसमें एक और चीज़ है। अब जैसे इसको हम ये पी एक्स है ना, इसको जी एक्स मान लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो इसको साइड में लिख देता हूँ, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हमको पता है ये इसका एक डायरेक्ट जीरो है, फैक्टर है, तो जब फैक्टर होता है तो हम ऐसे कर सकते हैं जी एक्स को अगर हम जीरो पुट करें तो यानी कि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब अगर हम इसमें वापस पुट करें पी एक्स हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वन, और तो पी वन हो जाएगा, नहीं पी माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन ये हो क्यूब होगा, माइनस वन का क्यूब का माइनस वन होगा प्लस वन, तो ये जीरो आएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल नाइन आप कर लीजिएगा इसी की तरह। अब हम चलते हैं क्वेश्चन टेन पे, ओके क्वेश्चन टेन बोलो, एग्ज़ाम्पल टेन पे। एग्ज़ाम्पल टेन ये कहता है क्यू टी, सॉरी मैंने जी कर दिया इसको, क्यू टी इक्वल टू फोर एक्स फोर टी क्यू प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन। अच्छा ये हमको चेक करना है कि ये इसका मल्टीपल है कि नहीं, टू टी प्लस वन का, टू टी प्लस वन का मल्टीपल है कि नहीं, ठीक है। तो मल्टीपल मतलब हमारा रिमाइंडर जीरो आना चाहिए डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो फिर अब डिवाइड करके देखते हैं, फोर टी क्यूब प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन, टू टी प्लस वन, टू टी प्लस वन, स्क्वायर से कर देता हूँ टी प्लस वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको टू टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टू टी स्क्वायर देख सकते हैं, टू टी स्क्वायर हो जाएगा टू इंटू टू फोर, और टी स्क्वायर इंटू टी टी क्यूब, और ये प्लस टू टी स्क्वायर। अब टू टी स्क्वायर का वहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर प्लस टू टी स्क्वायर अलग से लग जाता हूँ, माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस टू टी स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फोर टी स्क्वायर है, मैंने इसको क्यूब पढ़ लिया था, तो ये प्लस टू टी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू टी स्क्वायर प्लस का और माइनस टी माइनस वन, ठीक है। तो अब इसको टी से कर सकते हैं सीधे, प्लस टी टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 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 टू टी माइनस वन, ठीक है। अब इसको हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
माइनस टू टी माइनस वन साइन चेंज प्लस प्लस ये जीरो, तो यानी कि ये फैक्टर है देयरफॉर टू टी प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू टी जो कि है हमारा फोर टी क्यू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन। ठीक है, तो फिर अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, तो हम है एक्सरसाइज, ये टॉपिक भी हटा देते हैं। एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो पहला इसका क्वेश्चन है डिवाइड करना है, तो मैं इसका आपको फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले का फोर्थ पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन पहले मैं देता हूँ। एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस थ्री एक्स प्लस वन को हमको डिवाइड करना है, जो फोर्थ पार्ट है वो है एक्स प्लस फाइव से। तो चलिए फिर बताते हैं, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, करना तो पॉज कर लीजिए। चलिए अब मैं करता हूँ, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स सॉरी एक्स प्लस फाइव से। ठीक है, तो पहले इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर तो लेगा एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस थ्री एक्स प्लस वन कर लेता हूँ, तो अब प्लस थ्री एक्स से करता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री फाइव एक्स स्क्वायर थ्री फाइव एक्स माइनस माइनस ये तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आ गया, ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री फाइव एक्स प्लस वन। अब किससे मल्टीप्लाई कर सकता है, प्लस थ्री से कर सकते हैं हम, थ्री एक्स प्लस थ्री फाइव तो ये हो जाएगा माइनस ये प्लस होगा। ठीक है, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री फाइव एक्स और प्लस वन माइनस थ्री फाइव आएगा। ठीक है, तो ये हमारी मेंडा हो गया, बस यहीं पर छोड़ सकते हैं। अब सेकंड वाला आप कह सकते हैं, मैं आपको थर्ड वाला करके दिखाता हूँ। तो थर्ड है, चेक वेदर सेवन प्लस थ्री एक्स फैक्टर ऑफ इसका थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स। ठीक है, तो फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, अभी चेक करते हैं। थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स को हमको डिवाइड करना है थ्री एक्स प्लस सेवन से, एक्स वाले टर्म को पहले रख लिया मैंने, तो इसको एक्स स्क्वायर से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स सॉरी थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस तो जाएगा माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स। ठीक है, अब इसको हम कर सकते हैं प्लस सेवन अपॉन थ्री। ठीक है, तो ये जाएगा सॉरी सेवन अपॉन थ्री एक्स तो ये जाएगा माइनस का होगा ये सॉरी माइनस का सेवन अपॉन थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन अपॉन थ्री एक्स। ठीक है, तो प्लस माइनस इसको सॉल्व करते हैं ट्वेंटी वन ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एट अपॉन थ्री एक्स। ठीक है, तो अब आगे तो नहीं हो सकता, हो सकता है अगर हम इसको 28 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करें तो एक सेकेंड हाँ, तो ये 28 अपॉन 9 से करते हैं तो ये आ जाएगा 28 अपॉन 3x, ये माइनस कर लेता है माइनस, और यहाँ पे 7 28 इंटू 7 तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस 196। ठीक है, प्लस माइनस ये हो जाएगा 196, तो इसमें रिमाइंडर आया है तो यानी कि ये फैक्टर नहीं है, तो देयरफॉर नो थ्री एक्स प्लस सेवन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स। बस हो गया, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलता है आपको।